हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल ट्राई टू सॉल्व एक्सरसाइज 4.4। ओके, एंड टुडे वी विल आल्सो रीड अबाउट इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके, इट मींस व्हेन वी ड्रॉ ग्राफ सो अवर लाइन विल बी पैरेलल ऑफ वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। सो सी क्वेश्चन नंबर वन, गिव द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाई इक्वल थ्री एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड इन टू वेरिएबल। ओके, सो हियर यू सी अवर इक्वेशन इज वाई इक्वल थ्री। नाउ वी प्रेजेंट दिस इक्वेशन बाय टू वे, इन वन वेरिएबल इन टू वेरिएबल। ओके, सो फर्स्ट इन वन वेरिएबल वाई इक्वल थ्री। हियर यू सी इन दिस इक्वेशन ओनली वन वेरिएबल। ओके, सो लेट्स we represent y equal 3 in y axis. Okay, so here you see y equal 3 in y axis. Okay, y equal 3, here is 3, so we write y equal 3. Okay, so we represent y equal 3 in y axis. Okay, in one variable. Now in two variable, you see in this equation only one variable is given. Okay, so now we convert y equal 3 in two variable. How? So let's see, 0x plus y equal 3, ऐसा हम लिख सकते हैं। 0x, इसका कॉन्स्टेंट जो है वो क्या है, जीरो है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है, है ना, ये टर्म है ही नहीं, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x एंड गेट द वैल्यू ऑफ y. So here when x equals 0, if we put x equals 0, so here you see x 0 into 0 plus y equals 3. So here y equals 3. Again, if we put x equals 1, so here 0 into in place of x we put 1 plus y equals 3. Here you see 1 0 is a 0. So again y equals 3. Again x equals 2. So 0 into 2 plus y equal 3. So here also y equal 3. So our coordinates is x and y. We put 0, so we get 3. 1, 3, 2, 3. यहाँ आप देखेंगे, आप x की जितने भी वैल्यू रख लें, y की वैल्यू हमें सेम ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि x यहाँ यहाँ पर देख सकते हैं, x का जो कांस्टेंट है वो क्या है, जीरो है। ओके, नाउ ड्रॉ द ग्राफ, नाउ प्लॉट द पॉइंट्स x 0 एंड y 3। हियर x 0 y 3, सो कोऑर्डिनेट इज 0 एंड 3। ओके, नाउ x 1 एंड y 3, सो x 1 and y 3. Here you see x 1 and y 3. Again x 2 y 3, x 2 y 3. So here you see this is the PQ graph. Okay, मैंने पहले ही बताया था कि equation of line parallel to the x axis and y axis, जो graph बनेगा या तो वो x axis के parallel होगा या y axis के parallel होगा. Okay, so here you see this line PQ is parallel to x axis. Okay, so question number 2, do by yourself, same है. ओके, सी यहां वन वेरिएबल का तो आप आसानी से निकाल लेंगे, वैल्यू फाइंड कर लेंगे, पर टू वेरिएबल के लिए यहां आपका इक्वेशन क्या होगा, 2x plus 0y equal 9. ओके, और यहां आप y की वैल्यू पुट करना तो x की वैल्यू मिलती जाएगी. ठीक है, सो ये आप अपनी तरफ से करेंगे, सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे. ओके,